आपको लगता है कि विपक्ष में कोई विकल्प है? बिल्कुल विपक्ष में पार्टियां कोई विकल्प है? किसी की पैन इंडिया वो पहुंच है जो आज की बीजेपी को टक्कर दे सके? कांग्रेस थी पहले भी, उसी को हम लोग ऑप्शन बनाएंगे, और कोई तो ऑप्शन में नहीं। ये मीडिया का एक परसेप्शन है, मीडिया एक परसेप्शन क्रिएट कर दे रही है कि विपक्ष कुछ है ही नहीं। ये बस एक मीडिया कि हम नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन, एक प्रोपेगेंडा तैयार किया है मीडिया के द्वारा। नहीं, वो तो बीजेपी की रणनीति है। वो रणनीति नहीं है एक सर, वो रणनीति नहीं है, वो मीडिया का ही एक चाल है। कहें घर, अगर घर में किसी मान लें हम घर के गार्जियन है और मुझसे कह दिया जाए कि घर के मुझे घर चलाना है, तो घर वाले कहे सब्जी लाना है, तो हम शाम को सब्जी ले घर नहीं गए तो पूछेंगे घर वाले सब्जी क्यों नहीं लाए, तो अरे बगल वाले से पूछ लो, आगे वाले से पूछ लो। यही तो मीडिया का काम हो गया आजकल, जिससे पूछना उससे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। रोजगार तो नेहरू जी क्या किए थे, इंदिरा जी क्या की थी, मतलब एक नया प्रोपेगेंडा तैयार हो गया है। पूछना है पापा से, पूछो बगल वाले चाचा से कि घर में सब्जी क्यों नहीं है। जैसे कि अभी पूछ रहे हैं यहाँ पे रोड क्यों नहीं बन रही है, रोड का मुद्दा है। जैसे कि अभी नेहरू यार की रोड का मुद्दा कम से कम 7 साल से है, पहले कहते थे जी ये हम जिसे मैं गोरखपुर से रहने वाला हूँ, और एक योगी जी मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, और एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है कि जैसे गोरखपुर में क्या है, बहुत विकास हो रहा है विकास। अरे यार विकास अब तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? विकास का मतलब ये नहीं कि रोड बनवा दिया गया। हमारे यहाँ गीडा में क्या है, गीडा में 7 साल हो गया कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी। हमारे यहाँ जो एम्स बना कोई मतलब नहीं है एम्स का, भैया केवल एक प्रोपेगेंडा एम्स बना। एम्स का मतलब ये नहीं होता कि बुखार ना पा जाए, एम्स का मतलब होता है बुखार ना फा जाए, कुछ नहीं। मेडिकल कॉलेज को खत्म कर दिया गया, एम्स बनवा दिए। एम्स का मतलब यह होता है कि जितनी बड़ी बड़ी दवा है, बुखार मतलब जैसे कैंसर वंसर हो गया उसका इलाज हो, अब बुखार नापने के लिए ओपीडी चालू कर दिए, और फीता काटने कौन आ रहा है, मोदी जी आ रहे हैं, फीता काटने कौन आ रहा है, योगी जी आ रहे हैं।